हाय दोस्तों, मेरा नाम है तन्मय और आप देख रही है मेरी चैनल तन्मय सेल्फ क्रिएशन। पिछले वीडियो में बता रहा था सीरीज लाइट और पिक्सल लाइट क्या है, तो आज मैं सिर्फ इस पिक्सल लाइट के ऊपर बताऊंगा। तो ये कैसे रन होता है और इसका प्रोग्रामिंग और इसका जो SMPS सभी का ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है तन्मय। तो देखिए, मैं वीडियो आपको जो बोला है तो ये SMPS का है और डाटा लाइन क्या है आपको डिटेल्स में आपको बताऊंगा इस वीडियो में। पहले बात कर रही है ये SMPS क्या है, ये पिक्सल के लिए ये SMPS है। तो SMPS इतना बड़ा क्यों है, क्योंकि ये तो एक चाइना का माल है और दूसरी ये जो पिक्सल लाइट का चलाएगा ये वीडियो, सॉरी पिक्सल लाइट जो बताए चलेगा इस SMPS के जरिए। तो इतना बड़ा SMPS और ये 5 वोल्ट 10 एम्पियर का ये SMPS है। और ये जो है, मैं बड़ा वाला भी एक रखा हूँ, ये वाला, ये 5 वोल्ट 60 एम्पियर का, ये 10 एम्पियर या 60 एम्पियर क्यों, इसलिए मैं इस वीडियो बता रहा हूँ। तो देखिए, ये जो लाइट कनेक्शन हो रहा है ये सभी पैरेलल में कनेक्शन हो रहा है। आपको मालूम है कि पैरेलल में वोल्टेज डिवाइड होगा, सॉरी वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा और करंट डिवाइड हो जाएगा। तो इसका अंदर 50 LED लगा है, तो 50 LED मान लो कि एक LED 0.2 या 0.3 का मिली एम्पियर का करंट ले रहा है। तो 50 LED इंटू 0.2 और 0.3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, जितना करंट होगा एक चैन उतना करंट लेगा। ज़्यादातर ये एक चैन 2 से 3 एम्पियर से ये चलेगा। तो वोल्टेज ही कांस्टेंट रहेगा 5 वोल्ट DC का और करंट जो हो ज़्यादा रहेगा। तो इसलिए ये दो SMPS लगा रखा हूँ, ये 5 वोल्ट 10 एम्पियर का और 5 वोल्ट 60 एम्पियर का। ये SMPS दोनों क्यों लगा रखा है, मान लो कि मुझे चैन लगाना है 10 या 5, तो मैं 5 लाइट लगा देंगे तो 5 × 5 = 3 = 15 एम्पियर का SMPS मुझे चाहिए, ये 10 एम्पियर मेकअप हो जाएगा। तो ये देखिए, ये इसका SMPS, इसका अंदर क्या हो रहा है, देखिए मैं इसको लगा रखा हूँ। तो ये 5 वोल्ट 10 एम्पियर 10 या 5 चैन के लिए लगा देंगे तो ये ग्लो करेगा, ब्लिंक भी होगा अच्छे से। और ये 5 वोल्ट 60 एम्पियर, मान लो कि आप 10 या 15 या 20 का ऊपर चैन लगा रखा है एक साथ, तो इसलिए इसका बड़ा वाला लगाना होगा, क्योंकि जितना बड़ा दोगे और ये जो लाइट उतनी ज़्यादा ब्लिंक होगा। तो मान लो कि ये इसका कैपेसिटी है 10 या 20 लाइट जल रहा है, आप इसका यहाँ पर 50 LED लगा लेंगे तो ये ब्लिंक तो होगा मगर बहुत रोशनी कम देगा। तो इसलिए इसका ये 5 वोल्ट 60 एम्पियर का है और ये 5 वोल्ट 10 है, आप जितना ज़्यादा लगा रखें तो लगा सकते हैं। तो इसका कनेक्शन कैसे हो रहा है आपको दिखा रहा हूँ। तो ये मान लो कि ये मेरा SMPS है, SMPS का ये यहाँ पे सभी डिटेल्स लगा रखा है। तो ये L और ये N AC, क्योंकि यहाँ पे आप लाइव, ये L फॉर लाइव और N फॉर न्यूट्रल, और ये जो AC इनपुट देंगे आप, ये दोनों टर्मिनल से 1 और 2, ये दोनों टर्मिनल से, ये जो दोनों टर्मिनल से आप इनपुट देंगे तो यहाँ पे ये इनपुट जाएगा इस SMPS के अंदर। इसका जो ये जो नेक्स्ट जो आ रहा है, ये इसका टर्मिनल जहाँ पे लिखा है, इसका बीच ये जो टर्मिनल है वो इसका काम है। तो ये इसका ग्राउंड है, आप ग्राउंड लगा सकते हैं, यहाँ पे लगा सकते हैं और नहीं लगा सकते ये कोई बात नहीं। और इसका जो आउटपुट निकलेगा 5 वोल्ट का कॉमन ये है, ये 1 और 2, ये कॉमन 1 2, जो पॉजिटिव दोनों निकल रहा है ये 5 वोल्ट DC का पॉजिटिव निकल रहा है, ये एक चैनल ये दूसरी चैनल। तो इसी तरह आपको लगाना होगा। और यहाँ पे जो ये पोटेंशियोमीटर है यहाँ, तो इसको आप ऐसे करके घुमा सकते हैं, घुमाने के बाद इसका जो देखिए ये पॉजिटिव एडजस्टमेंट, क्योंकि यहाँ पे आप मान लो कि 10 एम्पियर का ये SMPS है तो आपको 3 एम्पियर या 5 एम्पियर चलाना होगा, तो यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, इसका एम्पियर कम जाएगा, तो इसलिए ये एडजस्ट के लिए यहाँ पे लगा चुका है। तो ये मेरा ये SMPS का मकसद है। तो मैं इसको कनेक्शन करके दिखा रहा हूँ। ये आपको मान लो कि एक नया SMPS खरीदने जा रहे हैं दुकान में,
तो कैसे जानेंगे ये SMPS ठीक है या खराब हो चुकी है। तो यहाँ पे मैंने कनेक्शन कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं जब भी इसको लाइन दूंगा, ये देखिए दोनों तार में लाइन दूंगा, यहाँ पे एक इंडिकेटर जैसा चलेगा। तो आप देख लीजिए ये कैसे हो रहा है। तो देखिए मैं यहाँ पे कनेक्शन करूँगा, ये देखिए एक LED ये ग्लो कर रहा है छोटा सा, मैं ऑफ कर दूंगा तो मैं लाइट ऑफ कर देता हूँ पहले। तो देखिए ब्लिंक हो रहा है एक LED, तो मान लो कि SMPS हमारा ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या करना होगा, तो SMPS के बाद चला गया, उसके बाद जो आ रहा है ये ऐसे तरह, ये 65 वोल्ट 60 एम्पियर का ये SMPS हो रहा है। तो ये 60 एम्पियर आपको एक पॉजिटिव चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा सा लगा रखा है सिस्टम, ये कूलिंग फैन है। यहाँ पे ये जो ट्रांसफार्मर इसका अंदर ही ये गर्म हो चुका है, गर्म होने के बाद ये जो कूलिंग फैन है उसको ठंडी करेगा। तो यहाँ पे भी इसी तरह ही देखिए लाइन और न्यूट्रल और लाइव और इसका कॉमन है, कॉमन इसका तीनों टर्मिनल है और ये भी तीन चैनल है, ये पॉजिटिव 3 चैनल है, कॉमन भी 3 चैनल है। आपको जहाँ कॉमन तो वहीं आप यहाँ से जो काम करेगा, इस कॉमन को जहाँ भी लगाएंगे वहीं पर भी ये यहाँ पर काम करेगा। तो पॉजिटिव जो आ रहा है ये पॉजिटिव 1 चैनल, ये 2 चैनल, ये 3 चैनल, इसी तरह आपको कनेक्शन करना होगा। SMPS बारे में ये इतना ही। तो उसके बाद जो आ रहा है ये डाटा लाइन, डाटा लाइन क्या है मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो डाटा लाइन का नाम है T1000S, इसका डाटा लाइन ये 1000, 4000, 8000 ये क्यों है, ये 1000S इसलिए है इसका 100 LED का कैपेसिटी ये ला सकता है। तो ये जो डाटा देगा ये 100 LED के लिए देगा। ये मान लो कि मेरा 50 LED, यहाँ पे LED क्या है ये वाला है पिक्सल LED, ये 50 LED है इस चैन में। तो ये 50 LED ऐसे तरह आपको 20 लेना है, 20 × 50 टोटल 1000 होगा, इसलिए ये 1000, ये 1000 ये 20 चैन के लिए एक T1000S का कंट्रोलर लेना होगा। मान लो कि आप 20 या 40 या 60 ऐसे तरह लगाना होगा, 60 80 सभी, इसलिए उसी तरह आपको कैलकुलेशन करके लेना होगा। तो यहाँ पे जो इसका सिस्टम है ये देखिए, यहाँ से आपको ग्राउंड यहाँ पे देना होगा, ये देखिए इसे ग्राउंड जो लिखा रहा है ये ग्राउंड आपको देना होगा। और इसका जो पॉजिटिव देंगे यहाँ पे इस चैनल में, यहाँ पे पॉजिटिव देंगे और डायरेक्ट आपको पॉजिटिव नहीं है 7.5 या 24 वोल्ट इस चैनल में देना होगा। तो ये 5 वोल्ट से आप ऑपरेट कर सकते हैं, 7 से 24 वोल्ट तक यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। ये जो 5 वोल्ट इसलिए दे रहा है, आप जो SMPS चला रहा है ये SMPS डायरेक्ट SMPS से इसको कनेक्शन कर रखे, यहाँ पे भी कर सकते हैं। मान लो कि SMPS आपके पास नहीं है, दूसरी वोल्टेज ये 7 से 24 वोल्ट तक आप दे सकते हैं। उसके बाद जो आ रहा है इसका पावर ऑन होगा और जो प्रोग्राम हो रहा है एरर देखने के लिए, यहाँ पे LED दोनों LED है। तो ये जो SD कार्ड है ये 256 MB का ये SD कार्ड है, इसका अंदर प्रोग्राम डालेंगे के बाद ये लाइट ग्लो करेगा। यहाँ पे इसी तरह इसको लगाना होगा, उसके बाद जो आ रहा है ये इसका आउटपुट निकलेगा, जो आउटपुट निकलेगा लाइट का अंदर, तो ये इसका ग्राउंड होगा, ये फिर ग्राउंड। और हमको सिर्फ डाटा लाइन चाहिए, इसलिए मैं डाटा लाइन से कनेक्शन कर रहा हूँ, बीच वाला जो है डाटा लिखा रहा है तो डाटा से ये कनेक्शन कर रहा हूँ। तो ये जो 4 बटन है ये स्लो स्पीड कराने के लिए, तो ये डाटा जो प्रोग्रामिंग हो रहा है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, जब भी वायरिंग करूँगा उसके जो ये 4 स्विच को काम क्या है उसका प्रैक्टिकल के साथ मैं बनाऊँगा। तो ये इसका स्पीडी कम करेगा और स्पीडी हाई करेगा और इसका जो प्रोग्रामिंग का मोड चेंज करेगा और ये सेट करेगा। तो इसलिए डाटा लाइन यूज होता है। तो इसका कनेक्शन मैं बता रहा हूँ, कनेक्शन ये है कि यहाँ पे ग्राउंड जो है दिखा रहा हूँ आपको कि देखिए दोस्तों ये मेरा SMPS है, मैं इसको जो पॉजिटिव नेगेटिव ये इसका जो लाइन इनपुट SC का इनपुट यहाँ पे दे चुका हूँ, ये दोनों तार में लगा रखा हूँ, ये देखिए
उसके बाद इसका कॉमन है यहाँ पे, और ये भी 60 एम्पीयर, ये 3 चैनल वाला ही, ये 2 चैनल वाला है। तो मैं ये जो भी साइड आपको लगाना होगा, तो मान लो कि आप एक चैनल लगा रखा है, तो यहाँ पे ये जो कॉमन तार यहाँ पे लगाएंगे कॉमन वाला टर्मिनल, और पॉजिटिव के बाद पॉजिटिव वाला टर्मिनल लगेंगे। तो क्या करना होगा, तो जो डाटा का भी इनपुट देना होगा वोल्टेज 5 वोल्ट, और ये न्यूट्रल ये जो पॉजिटिव है ये वाला, और इसका जो पिक्सल का जो पॉजिटिव तार है ये वाला, ये इसका इनपुट टर्मिनल है, और ये इसका जो आउटपुट पॉजिटिव इनपुट होगा, तो ये इसका पॉजिटिव होगा। ये 5 वोल्ट जो लगा है ये पॉजिटिव कमला कलर का तार है, तो इसको यहाँ से लगा देना होगा, ये दोनों पॉजिटिव, ये लाइट को भी जाएगा और डाटा को भी जाएगा, और न्यूट्रल भी जो है यहाँ पे भी न्यूट्रल को न्यूट्रल के साथ लगाना होगा। यहाँ पे जो कनेक्शन करेंगे आप कॉमन, यहाँ पे एक में लगाऊंगा, और जो पॉजिटिव निकला है दोनों एक साइड में मैं लगाऊंगा। तो मैं लगा कर आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए ये जो न्यूट्रल है इसका कॉमन, यहाँ पे मैं न्यूट्रल लगा चुका हूँ, और इसका पॉजिटिव यहाँ पे लगा रखा हूँ। उसके बाद जो आ रहा है ये देखिए, इसका जो भी मैं कनेक्शन करूँगा यहाँ पर इसी तरह मैं इसका इनपुट दे रखा हूँ। तो देखिए इनपुट दे चुका हूँ, इसका पास इनपुट आ रहा है, तो ये लाइट ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो मैं डाटा इसके दे नहीं रहा हूँ, तो डाटा नहीं देने से बाद ये ग्लो नहीं करेगा। मैं पहले इसको डाटा दे रखा हूँ, देखिए यहाँ पे मैं डाटा जो लाइन है ये पॉजिटिव का है, जूम करके दिखा रहा हूँ। देखिए ये इसका जो पॉजिटिव, सॉरी ये जो ग्रीन कलर का तार है इसका डाटा लाइन है बीच वाला, तो यहाँ पे मैं डाटा लगाऊंगा। यहाँ पे देखिए डाटा लगाने के बाद ये ग्लो कर रहा है ये लाइट, मैं डाटा निकाल दूंगा तो ये कंस्टेंट ग्लो करेगा। डाटा देने से बाद जो प्रोग्रामिंग हो रहा है इससे प्रोग्रामिंग होगा ऐसे तरह। तो देखिए ये इसका मेन प्रिंसिपल है इसका पिक्सल लाइट का ऊपर। नेक्स्ट मुझे डालूंगा बिल्डिंग पर वायरिंग करके बताऊंगा, तो पारालाली बताऊंगा कैसे ब्लिंक करा है, तो इस वीडियो में लास्ट में भी देख लीजिए कैसे ब्लिंक करा है। तो नेक्स्ट वीडियो में जो डालूंगा और कैसे इसका वायरिंग जो होगा ऊपर बिल्डिंग का ऊपर कैसे वो वायरिंग हो रहा है और कैसे ब्लिंक करा है, इसका इफेक्ट कहाँ से रहना होगा, और ये कंट्रोलर जो 4 बटन का काम क्या है सभी मैं बताऊँगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, तो मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसी तरह नया नया वीडियो आपके लिए लेके लाऊंगा, और शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ। तो दोस्तों थैंक यू। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना। तो सीरीज लाइट और बहुत सारा वीडियो मैं डाल चुका हूँ सीरीज लाइट का ऊपर, और डीजे लाइट का ऊपर, सार्फी लाइट का ऊपर मैं लिंक दे चुका हूँ, इस डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना, और अच्छा लगा तो कमेंट करके बताना, नहीं अच्छा लगा तो कमेंट करके बताना, और ये जो वीडियो को आपको फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। आप इस चैनल में नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू दोस्तों।